हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज केवल दो इंग्रेडिएंट से हम बहुत ही शानदार चीज़ बनाने वाले हैं और हम केवल मटर और आलू का यूज़ करेंगे और बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इसे देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है और ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है और स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने कच्चे मटर और पनीर का यूज़ किया है। तो अच्छे से हेल्दी चीज़ों के साथ हमने इसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बॉयल पोटैटो ले लिए हैं, 4 उबले आलू मैंने ले लिए हैं, हरी मिर्च, अदरक और इसके साथ 1 कप हरी मटर लिया है, कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ ली हैं और पनीर यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने का सबसे पहला स्टेप यही है कि जो मैंने मटर लिए हैं उसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसके साथ ही हम हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा भी इसके अंदर डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग जार में मटर, हरी मिर्च और अदरक को डाल दिया है और इसे दरदरा पीस लेंगे। और अब नेक्स्ट स्टेप में एक बाउल में मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू ले लिए हैं और इसे मैं मैश कर लूँगी। तो मैशर की हेल्प से आप इसे मैश कर लीजिए, आप इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे मैश कर रही हूँ, तो ध्यान रखें कि ये बहुत अच्छे से मैश हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर ये मैश करके रेडी है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। इसमें मैंने नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, भुने जीरे का पाउडर 1/2 चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच और चाट मसाला 1/2 चम्मच। ये सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके साथ मैंने जो पनीर और धनिया रखा था उसे भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इस तरह से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी सामग्री को मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, जिससे कि इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, पूरे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे और इस तरह से छोटी लोइयां तोड़ने के बाद आप किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं उसमें इसे लगा दिया है। ये बहुत बढ़िया से बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से ओवल शेप मैंने दिया है और उसके बाद आइसक्रीम स्टिक को इसके अंदर फिट कर दिया है। ये बहुत बढ़िया स्नैक्स बनकर तैयार होने वाला है और आप चाहें तो इसे गोल टिक्की का शेप भी दे सकते हैं या कुकी कटर से काट करके भी इसे ले सकते हैं। तो शेप आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ्राई पैन ले लिया है, तो ध्यान रखें नॉन स्टिक पैन ले लें और उस पर बहुत थोड़ा सा ऑयल, बटर या घी डाल करके आप इसे सेक लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में ऑयल भी सबसे कम लगा है, बहुत थोड़े से ऑयल में हमने ये रेसिपी बनाकर तैयार की है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कितना थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो फ्रेंड्स, ये टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत कम ऑयल का यूज़ किया है और इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और गर्मा गर्म इसे सर्व करिए। ये बहुत ही टेस्टी है, हरे धनिया की चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ आप इसे सर्व करिए। ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स है और हमने इसमें मटर और पनीर का यूज़ किया है, तो इसे बहुत हेल्दी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाइए और ट्राई करिए ये रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है और ये अच्छे से सिक रही है। तो 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं और कोई ख़ास चीज़ रखी नहीं होती है, तो घर में ये सारी चीज़ें तो अवेलेबल होती हैं, पर आलू, पनीर ये सारी चीज़ें तो घर में अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्या बनाएं। तो आज जो रेसिपी है ये आपके लिए ख़ास है, तो
तो अगर अचानक मेहमान आ जाए तो आप उन्हें सरप्राइज़ दे सकते हैं, और ये बहुत बढ़िया सी चीज़ आप उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। और इसका टेस्ट तो अच्छा है ही, और टेस्टी होने के साथ ये हेल्दी भी है, तो हेल्दी चीज़ें तो खानी ही चाहिए। तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें, और बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी है, बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है। कम ऑयल में हमने इसे बनाकर तैयार किया है, तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है, और बच्चों को बनाकर देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगी, आपसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें बनाने से अच्छा है कि हम कम ऑयल में अच्छे से अच्छी चीज़ें बनाकर तैयार करें। तो आप ट्राई करिए रेसिपी, इसी तरह की और भी रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।